गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग आयनिक बॉन्ड को समझेंगे। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड भी कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। ये कब बनता है? जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है या फिर कम्प्लीटली गेन कर लेता है, तब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका एक एग्जाम्पल है NaCl। सोडियम एक एलिमेंट है और Cl दूसरा एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें 2, 8, 1 यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तब आता है 2, 8, 7 यानी कि सोडियम के पास लास्ट मोर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इस्टेब्लिश्ड होने के लिए किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा, कम्प्लीटली दे देगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो क्लोरीन के पास हो गया 7 में 1 ऐड हो गया 8 इलेक्ट्रॉन यानी क्लोरीन भी इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, त्याग कर दिया, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन यानी दोनों स्टेबल हो गए। और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, त्याग किया, तो सोडियम पास प्लस चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन के पास माइनस चार्ज आ गया, यानी कि सोडियम प्लस और Cl माइनस ये दोनों जब आपस में जुड़े तो बन गया NaCl, और उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है कम्प्लीटली या गेन करता है तब आयनिक बॉन्ड बनता है।